please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लेकिन उससे पहले मैं अरुण लखानी जी के पास जाना चाहता हूँ. लखानी साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लिया है. ये शहरों का वेस्ट कलेक्ट करके उसको साफ करके ये इस बात का जिम्मा लेने को तैयार हैं कि किसी शहर का पूरा वेस्ट ये लेंगे, उसमें से साफ पानी निकाल के देंगे, कोई गंदगी नहीं बचेगी, और इसके लिए वो उस शहर से कोई पैसा भी नहीं चाहते हैं. क्या अनुभव है लखानी साहब आपका पिछले 4 सालों में? देखिए, ये जो आपने स्पेसिफिक एक मुद्दा बताया है, ये हमारे देश में जिसे हम सुजलाम सुफलाम हरदम कहते आ रहे हैं, तो हम सुजलाम आज भी हैं, पर हम देखते हैं हमारे शहरों में आज भी पानी की किल्लत होती है. जैसे ही समर आता है, हर जगह हमें टैंकर्स और सबको परेशानी रहती है कि इस बार का हमें समर कैसा जाएगा. इसमें नियोजन की जो गैप है, यह मैनेजमेंट की गैप, ये हमें पूरा करना जरूरी है. जो हमने एक नागपुर में एक प्रयोग किया है कि एक इंटीग्रेटेड जो वाटर साइकिल हम जिसे कहते हैं, कि आज 135 लीटर पर पर्सन पर डे पानी की ज़रूरत होती है इंटरनेशनल नॉर्म में, हम 100 स्मार्ट सिटी में से 82 स्मार्ट सिटी में इससे ज़्यादा पानी दे रहे हैं, पर फिर भी हमारी शॉर्टेजेस वैसी है. तो अगर हम हमारा जिसे हम वेस्टेज कहते हैं, लीकेजेस कहते हैं, ये ठीक करें. अब इसका 80% जो है ये पानी सीवेज करके वापस आता है. आज भारत में ये परिस्थिति है कि हम 38,000 मिलियन लीटर यानी 3800 करोड़ लीटर सीवेज बिना ट्रीटमेंट के हम नेचर को डाल देते हैं. इसका रिजल्ट क्या हुआ है, 21% हमारी डिसीजेस वाटर बॉर्न है. 10 करोड़ से ज़्यादा परसेंटेज हम लूज करते हैं हर साल पानी के डिसीजेस के कारण, क्योंकि हम इसे वेस्ट मानते हैं. ये हमारी अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनके पास इतना रेवेन्यू ही नहीं है कि वो इसको ट्रीटमेंट के सीवेज प्लांट लगा सके और इसे चला सके. तो इसका जरूरी ये था, इसमें इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो, कि इसे हम फिजिबल मॉडल बनाएं. इसका फिजिबल मॉडल क्या हो सकता है कि इसे हम ट्रीट करें इंडस्ट्रियल ग्रेड तक, ड्रिंकिंग वाटर ग्रेड तक, जैसा कि आप सिंगापुर में या US में होते हैं. हम वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे पास सफिशेंट पानी है. तो जो फ्रेश वाटर यूज़ करती है इंडस्ट्री, उसे हम ये ट्रीटेड वाटर देते हैं और फ्रेश वाटर टाउन को आता है. जैसे नागपुर में हम 200 मिलियन लीटर 20 करोड़ लीटर का हमने 100% प्राइवेट फंडिंग पे प्लांट लगाया है. इसका वाटर परचेस एग्रीमेंट महाजन को और NTPC से होता है. अब ये जो रेवेन्यू आता है, इसमें कॉरपोरेशन का खर्चा भी निकल जाता है ये प्लांट का, और इसके साथ में जो उनका कॉस्ट सेंटर है वो रेवेन्यू सेंटर बन गया. इससे ज़्यादा महत्व का है कि उन्हें ये 20 करोड़ लीटर पानी, फ्रेश पानी जो वो प्लांट यूज़ कर सकते थे, करते हैं आज, वह इनको डाइवर्ट हो जाता है रिजर्वेशन. तो अगले 35 साल की पॉपुलेशन ग्रोथ नागपुर की, इसके पानी की व्यवस्था आज ही हो गई है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी तरह इन्वायरमेंट को डैमेज करने के. और ये हमारे देश में आज ये जो 38,000 मिलियन लीटर हम जो ये डाल रहे हैं सीवेज, इसे जब तक हम रिसोर्स करके नहीं देखेंगे कि ये वेस्ट नहीं है, ये रिसोर्स है पानी का बहुत बड़ा. इसमें का 18,000 मिलियन लीटर आज हम यूज़ कर सकते हैं. 8,000 मिलियन लीटर सिर्फ थर्मल पावर स्टेशन यूज़ कर सकते हैं. और मैं भारत सरकार को, इस सरकार को इस पर बधाई दूंगा कि इन्होंने ये नीति समझ के 50 किलोमीटर के अंदर अगर थर्मल पावर स्टेशन के कोई भी कॉरपोरेशन पानी ट्रीट करती है तो उसे लेना उन्होंने कंपलसरी किया है. तो इस तरह जब हम पुरोगामी आगे की बात सोचेंगे तो हमें वाटर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी तभी हमें मिलेगी. तो मैं सोचता हूँ, जैसा आपने कहा कि भाई ये बिना पैसे लगाए कैसे होता है, नहीं, पैसे का काम पैसे से ही होगा, और जो इकोनॉमिकली जो फिजिबल रहेंगे वही मॉडल दुनिया में सस्टेन होंगे. अगर हम बजट पर डिपेंड करेंगे, सरकार पर डिपेंड करेंगे, तो कभी ना कभी इसमें फेल होगा ही. जिस तरह गंगा में भी हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया था, तो हमने इसी तरह का मॉडल दिया था कि 10 साल बाद में उसे किसी सरकारी बजट के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े. जी, मुझे लखानी साहब बहुत अच्छा नहीं लगता है विदेशों के उदाहरण देना, लेकिन मजबूरी में देना पड़ता है. जैसे अभी आपने दिया कि सिंगापुर में या US में, लंदन शहर अपना सारा पानी सीवेज रिसाइकिल करके पीता है. वहाँ जो लोग पानी पीते हैं वो सीवेज का रिसाइकल्ड पानी होता है. इस तरह का आपने जो कॉन्सेप्ट दिया, आप वहाँ तक नहीं ले जाना चाह रहे हैं. शायद लोगों को बुरा लगता है कि हम सीवेज का पानी पी रहे हैं, वो कितना भी साफ़ हो, इंडस्ट्रियल यूज़ में भी ले जा रहे हैं. आपने इस देश में कितने
सिटी कॉरपोरेशन से बात की और उनका क्या रिस्पॉन्स है, आपका वो अनुभव मैं जानना चाहता हूँ। सर इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स की बात है, इसे यहाँ पर भी हम पीने के पानी के लेवल तक ले जा सकते हैं, पर जो पानी आज हम 5 रुपया पर 1000 लीटर क्यूबिक मीटर में आज नागरिक को देते हैं, हमारे सिटीजन को, अगर हम इसको ट्रीट करेंगे सीवेज को तो ये करीब 120 रुपये होगा, और जो सीवेज हम ट्रीट करके इंडस्ट्रियल ग्रेड पे ले जाते हैं तो ये करीब 20-25 रुपये में डिलीवर होता है। तो जब हमारे पास फ्रेश पानी है, इन कंट्रीज़ में पानी की ही कमी है। और मैं आपको ये भी कहता हूँ, एक एग्जाम्पल दूंगा, कैलिफोर्निया में जहाँ पर कि ये 100% ट्रीट होता है पानी, वो वहाँ पे उसको ज़मीन में वापस डालते हैं रिजर्वायर में और दूसरे तरफ से पंप अप करते हैं। इतना एनर्जी उसके अंदर जो खर्चा होती है, इसका एक ही कारण है जो आपने बोला, साइकोलॉजिकल बैरियर, कि भाई ये सीवेज का पानी हम नहीं पीना चाहते। कमिंग बैक टू आपके क्वेश्चन कि भाई इसका रिस्पॉन्स है, पर इसके रिस्पॉन्स स्लो है, क्योंकि इसमें अर्बन लोकल बॉडी है, इसके अंदर थर्मल पावर स्टेशन है, अलग अलग गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके नॉर्म्स बनाए हैं कि भाई सारे पावर स्टेशन ले। तो इसमें जब तक इनिशिएटिव स्टेट का कितने तेजी से आता है उस पर निर्भर करेगा कि यह कैसे क्रियान्वित होगी। मैं एक स्लो वाले पे एक दो सेकंड 30 सेकंड बोलना चाहता हूँ। अभी मैं इन्वेस्टर समिट से आ रहा हूँ यूपी से कल, उसमें एक डिफेंस कॉरिडोर की बात हुई और वो 18 दिन में उसके ऊपर डिसीजन हुआ है सरकार का। निर्मला सीतारमण जी ने वहाँ बोला, योगी जी के साथ बात हुई थी और 18 दिन में इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर की बात हुई और यूपी को वो एग्री करके उसमें दे दिया। और उसकी जो कॉन्सेप्ट है कि आने वाले 50 साल में डिफेंस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, उसको क्या क्या उसको चाहिए, उसको एमएसएमई को इंटरलिंक करके टीयर वन कंपनीज के साथ एमएसएमई डेवलपमेंट पूरा जो डिफेंस कॉरिडोर में उन प्रोडक्ट को उन लोगों को बताया जाएगा कि आप ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करिए और उसके साथ गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करेगी। तो आने वाले 50 साल की प्लानिंग रिक्वायरमेंट सबको इंप्लीमेंट करने का 20,000 करोड़ का गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो कि कई लाख करोड़ का प्रोपेल करेगा एमएसएमई सेक्टर को मैनेजमेंट का, वो 18 दिन में डिसीजन लिया गया। तो इस स्पीड से काम चलता है, कई चीज़ों में सरकार कर रही है। जी काम तेज़ हो रहा है इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, मैं खुद अभी योगी आदित्यनाथ से मिल के आया और इस बार जो उन्होंने इन्वेस्टर समिट की, सापरा साहब, मैंने बहुत सारी इन्वेस्टर समिट देखी हैं, मैं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के ज़माने से अब तक कई इन्वेस्टर समिट देख चुका हूँ। इस बार एक ख़ास बात की है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कि वो उन्होंने पहले से ग्राउंड वर्क किया है। पहले होता था कि समिट में सिग्नेचर होते थे और उसके बाद ग्राउंड वर्क शुरू होता था, इस बार बहुत कुछ पहले हो चुका है, वहाँ जाके फाइनल कल्मिनेशन हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है जिस पे काम शुरू हो रहा है। लेकिन जो अभी अग्रवाल साहब कह रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि मोदी सरकार एक कॉन्क्रीट प्लान लेके काम करती हुई दिख रही है और बार बार जाहिर है जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उनका दोष आपकी तरफ जाता है कि कांग्रेस ने सिस्टम गड़बड़ किए हुए थे या पिछली सरकारों ने ये सिस्टम गड़बड़ किए हुए थे जिसकी वजह से हमारे लिए आज भी आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। अभी हाल में हमने एक डायलॉग सुना कि अभी तो सड़क पे गड्ढे भरे जा रहे हैं, उसके बाद गाड़ी चलेगी। देखिए ये तो मोदी सरकार और उनके तमाम सारे नेताओं का एक मोडस ऑपरेंडी है कि भाई हर चीज़ जो है वो पिछली सरकार के ऊपर मल दीजिए। इनका बस चले तो ये कहें कि नीरव मोदी को भगाने में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हाथ था। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भागा है, ये भी कह सकते हैं। खैर इनके ऊपर ऐसे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश भी देख रहा है कि जितनी भी आर्थिक नीतियां ये बात करते हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए तेज़ी से काम और फ्यूचरिस्टिक। जैसे अग्रवाल साहब ने अभी कहा कि हम 20 साल आगे का सोच रहे, 50 साल आगे का सोच रहे, तो ये कोई नई बात नहीं है, हर सरकार इस तरह से सोचती है। लेकिन कुल मिलाकर के जो हमको दिख रहा है कि जीडीपी गिरा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो 13 वर्ष इतनी नीचे नहीं गई, वो अभी गई हुई है, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 63 साल की तुलना में सबसे नीचे है, आपका जो और सारा आर्थिक व्यवहार है वो नीचे 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 जाता जा रहा है, आपके यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई है,
आज खुद इन्होंने माना है कि बेरोजगारी बढ़ी है, इनके मंत्रियों ने भी माना है बेरोजगारी बढ़ी है। तो बेरोजगारी जो आपने 2 करोड़ जनता को रोजगार देने की बात की थी, आज आप 70 लाख पे आ गए हैं। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ये लोग देख रहे हैं। एनपीए 33% थे 4 साल पहले, वो अब 86% हो गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हर तरफ महंगाई बढ़ी है, जीवन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं। उसी तरह से आप देखेंगे तो बैंकों का जो व्यवस्था है उसमें क्या लूप होल्स हैं, या किस तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस को हमने पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है। इसलिए ये नीरव मोदी जैसे केस हुआ, इसीलिए विजय मल्ल्या जैसा केस हुआ, ललित मोदी जैसा केस हुआ, कि हजारों करोड़ रुपया लेकर के सफ़ेद पैसा, यानी जो पार्टी कह रही थी हम बाहर से स्विस बैंक से काला पैसा लाएंगे, उनकी आंखों के सामने से सफ़ेद पैसा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं लूपहोल तो है, कहीं ना कहीं आप वो चेक्स एंड बैलेंसिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं। दिलीप पिरामल जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। इन्होंने कटाक्ष में कहा कि ये नीरव मोदी का भी ब्लेम इंदिरा गांधी जी पे आएगा क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गए, लेकिन मैं अभी जरा हर बात में ये कह देता हूं, सीरियस बात कह रहा हूं, आप मेरी बात तो सुनो भैया, मैं सीरियसली कह रहा हूं कि वास्तव में इंदिरा गांधी जी का ही इसमें ब्लेम है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का 1969। मतलब आप प्राइवेटाइजेशन कराना चाहते हैं, मुझे बोलने दीजिए ना आप प्लीज। तो अगर ये राष्ट्रीयकरण नहीं होता, ये आपने देखा ये जितने अधिकतर घोटाले सारे ये नेशनलाइज्ड बैंक्स में हो रहे हैं, और ये तो होना ही था, जो उद्देश्य था नेशनलाइजेशन का उससे विपरीत हुआ है, कि उन्होंने कहा था कि गरीब लोगों को ज़्यादा धनराशि मिले बैंक राष्ट्रीयकरण से, उसका विपरीत हुआ है, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिला है, और सब जो ज़्यादा जो घोटाले हुए हैं वो राष्ट्रीय ये नेशनलाइज्ड बैंक्स में हुए हैं। तो इसमें तो कोई देखिए ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी जो इन्होंने बात बताई ना उस पर सारा ये निर्भर है। अगर आपकी नीतियाँ ही गलत होंगी तो ये करप्शन तो होएगा ही ना, जितना नेशनलाइज करेंगे उसमें करप्शन ही होने वाला है। नीलेश भाई क्या ये प्राइवेटाइज, एक जी सभी चीजें प्राइवेटाइज हो जानी चाहिए, यानी इनका कहना है बिल्कुल होनी चाहिए ना। जो अभी देखिए एयर इंडिया का हाल देखिए, 1 लाख करोड़ रुपया अभी इतने 30 वर्षों में मुझे नुकसान हुआ है ना। देखिए अगर उद्योगपतियों के हाथ में ही बैंक देने हैं तो फिर तो और बहुत आसान हो जाएगा। अगर एक नीरव मोदी भाग रहा है, एक विजय मल्ल्या भाग रहा है, कहीं को और कोई उद्योगपति चला जाएगा, तो ये जनता का पैसा भाई साहब, ये इंडियन इकोनॉमी, एक मिनट, इंडियन इकोनॉमी में ये डिपॉजिटर का पैसा है, ये जो पेंशनर हैं उनका पैसा है, जो ओआरओपी वाले लोग हैं उनका पैसा है, जीवन की कमाई जो होती है किसी बुजुर्ग की, किसी व्यक्ति की, उसकी कमाई वो बैंक में है। अगर वो बैंक का पैसा कोई ले जा रहा है तो सरकार को उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। तो और आज की परिस्थिति में तो आप कह ही नहीं सकते कि प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। अगर ये तो 10 लाख करोड़ का जो 9 लाख करोड़ का जो एनपीए है, ये लोन जो आम जनता का पैसा, ये कह रहे हैं डिपॉजिटर का पैसा, दिया किसने? क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म तो अभी भी चल रहा है। ये नीरव मोदी का केस इज अ क्रोनी कैपिटलिज्म केस। अभी जो सॉल्यूशन है, पहली बार जैसे मेगा रिफॉर्म्स, मैंने कहा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सॉल्यूशन एनसीएलटी, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए ना, 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों को रिकैपिटलाइज करने में जा रहा है। वो किसको आलोक जी, किसको 2 लाख करोड़ के वेव कर रहे हैं लोन? अच्छे बैंक है उनको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दे रहे हैं 2 लाख करोड़ में, जो एनहेंस सुपरविजन के अंदर बैंक है उनको 1 पैसा नहीं दे रहे, और जो बैंकों को दे रहे हैं उनसे कितना बड़ा उसके साथ कमिटमेंट और उनके एनालिसिस का पूरा आप अगर पढ़ लिए जो प्रेस रिलीज दिया है गवर्नमेंट ने, 2 लाख करोड़ बेस पे वो पैसे देंगे रहे हैं। नहीं, अगर आप सॉल्यूशन जो था, देखिए प्रधानमंत्री जी जब ऐसे बिजनेसमैन की मीटिंग में बैठेंगे, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, तो अगर प्रधानमंत्री जी ऐसे बिजनेसमैन की मीटिंग में बैठेंगे और बात करेंगे माइक पे और कहेंगे मेहुल भाई, तो उसका कितना बड़ा असर होगा? आप बिजनेसमैन को क्या चोर यंत्रणा पर आदमी को चोर मान के चले, थोड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है। मैं अब मुझे एक कंक्लूडिंग कमेंट, नीलेश भाई से ले लो। नीलेश भाई देखिए ये पॉलिसी यहां नहीं चलेगी, बोलने दीजिए, प्रश्न है ये, एक ऐसा कैच 22 सिचुएशन है, जनता पार्टी घबराती है तो बोलने देना चाहिए। भाई सुनिए, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, सुनने की क्षमता रखिए। ये घपला हो रहा है इसलिए बैंक प्राइवेटाइज कर देने चाहिए,
मुझे नहीं याद है, आपको याद हो तो बताइएगा कि पिछले 20 साल में कोई प्राइवेट या सरकारी बैंक डूबा हो भारत में, तो वो बैंक प्राइवेट हो या सरकारी हो। अभी हाल में हमने एक टू बिग टू फेल बैंक्स की लिस्ट देखी, जिसमें दो बड़े प्राइवेट बैंक थे और सरकारी भी थे। तो अगर बैंकों को डूबने नहीं देना है तो अंत में तो पैसा भारत के टैक्सपेयर की जेब से ही जाएगा, कई पैसा है। वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, नहीं लेकिन लोन की प्रक्रिया को तो ठीक करना चाहिए। तो फिर हम वो सरकारी बैंक से जा रहा है या प्राइवेट बैंक से जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? और ऐसे में सरकारी बैंक होने क्यों चाहिए? सरकारी बैंक शायद इसलिए ज्यादा सवालों के घेरे में है क्योंकि उन पर सरकार का, सरकार में बैठे लोगों का असर ज्यादा चलता है। आलोक जी, पिछली बात छोड़ देते हैं, हमने तो प्रूव कर दिया है कि साउथ कोरिया आपको 70 साल में 64 टाइम्स पीछे छोड़ के गया है, तो कुछ गलती तो की है। अब आगे के सोचते हैं। पहली प्रॉब्लम अपनी जनता के साथ है, सरकार को क्यों ब्लेम करें, हम अपने आप को ब्लेम करें। सो 1984 में हम और चाइना सेम थे, सिमिलर पर कैपिटा जीडीपी, सिमिलर जीडीपी। आज सिर्फ 24 साल में वो हमसे 5 गुना बढ़ गया, हम सबको पीछे छोड़ के चला गया। हम आपस में झगड़ते रहे, वो हमसे कहीं आगे चला गया। तो सरकार इसमें ब्लेम कर सकती है? नहीं, जनता इसमें ब्लेम कर सकती है। चाइना ने आज ऑटोक्रेसी है, डिसीजन मेकिंग है, लेबर कॉस्ट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये सारी चीज़ों से चाइना बना है। लेकिन एक और चीज़ है जिसने चाइना को बनाया है, हमारी प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है 57%, चाइना की 211%। एक आप बलून ले, उसमें हवा डाले, कम हवा डाले तो छोटा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा हवा डाले तो बहुत बड़ा होता है। और ज़्यादा हमारी बैंकों ने क्रेडिट खड़ी नहीं की। क्यों खड़ी नहीं की? बिकॉज हम लोग, आप और मैं, पैसा रखते थे सोने में और करेंसी नोट्स में। दुनिया का कोई देश जापान को छोड़ के ऐसा नहीं है जितनी हमारी जितनी करेंसी नोट से प्यार करता है। तो हमने अपना पैसा बैंक में डाला ही नहीं है, और फिर हम ब्लेम करते हैं कि भारत हमें एक समाज के तौर पर दरअसल जागने की जरूरत है और हमें यह सोचना चाहिए कि हम बैंकों में, पहले तो बैंकों में और उसके बाद उसके आगे फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाने की सोचिए। अगर बहुत खत्म हो गया, प्रोड्यूसर लगातार कान में कह रहे हैं बैंकों के पैसे के बारे में, एक और अभी खतरनाक आ रहा है एफआरडीआई, वाइंड अप किया जाए। एफआरडीआई की वजह से भी बहुत जनता के अंदर भय का माहौल है कि पैसे बैंक में रखने या नहीं रखने, बेल इन वाले सोशल में कहीं लोगों का पैसा नहीं डूब जाए। जो सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार गलत प्रसार करते हैं, बस 2 मिनट और स्टेज पर बने रहेंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह को कि वो आए और हमारे मेहमानों को भेंट दें।